नहीं छोड़ूंगा, इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और हमारी दुआएं असर की, आजाद साहब बिल्कुल ठीक है और हमारे बीच भी आएंगे। इसके बाद मास्टर जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब ये टीचर थे तब भी इनके मन में सेवा भावना थी। ट्रस्ट के फाउंडर रहे, जो एक ट्रस्ट का निर्माण किया जिसमें इनमें सभी जो जिन जिन लोगों में मानवता थी, मानव सेवा भावना थी, खिदमत करने की भावना थी, उनको इकट्ठा किया और लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। जितनी आंखों के जिनकी आंखें कमजोर थी, नजर की प्रॉब्लम थी, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को उनकी एडमिशन करवाई, उनको अडॉप्ट किया और उन बच्चियों को पढ़ाना लिखाना सब कुछ, शादी का भी जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर उठाया। मास्टर जी बड़ी देर से हमारे इलाके में काम करते आ रहे हैं, अब इनने राजनीतिक सफर इसलिए शुरू किया कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो, क्या क्या हुआ। हमारे लोही मलाल बात की बाकी मैं बात करूं तो इतनी खस्ता हालत है, सर के एक बार ये के दोबारा जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो समझते थे कि हम ही लीडर हैं, वही काम चलाए जा रहे थे और लोगों के, गरीब लोगों का किसी का काम नहीं हो रहा था। हमारे अस्पताल खाली थे, स्कूलों में शिक्षक नहीं थे, बच्चे पढ़ाई, ऐसे इन्होंने नारा दिया कि विकसित भारत करेंगे हम। और विकसित कैसे होगा जब तक बच्चे शिक्षित ही नहीं होंगे। हमारे इलाकों को इनने 100 साल पीछे छोड़ दिया। हमारे इलाकों में लोही मलार की बात करूं तो डिजिटल बात करते हैं, हमारे इलाकों में नेटवर्क ही नहीं है, फोन, सड़कें नहीं है, नेटवर्क नहीं है। और उस इलाके में मास्टर साहब ने इतना काम किया है, लोगों की सेवा हुआ है, पूरा लोही मलार ब्लॉक, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप इस तरफ से लीड देना तो हमारे लोही मलार में 80% वोट इनकी तरफ है और भारी मात्रा में जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले नतीजे। जो लोकल एक्स सरपंच तोहित मलिक जी वो आएंगे तो अपने विचारों से अपने लोगों को बनवा देंगे। तो इंशाल्लाह मेरे को ये उम्मीद होगी कि ये मास्टर गौरी शंकर के लिए बैठे हैं, वरना इतनी धूप में हमारे लोग वाले नहीं बैठते। देखिए सर, मेरी ये पंचायत ईदगाह से लेकर छतर तक पड़ती है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारा एक हला चूचला एरिया है, हमारे हले स्कूल में मुझे भी दब के बोल दिए और DDC को भी दब के बोल दिए और जीवनलाल MLA को भी दब से बोल, लेकिन टीचर नहीं, अड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि टीचर टीचर टीचर, वहां दो टीचर और बचे कितने 74, वो क्या चलाएंगे उस स्कूल को। और उन मैं हनन वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि इकट्ठा होकर एक फैसला कीजिए, क्योंकि मैंने उन लोगों को एक एप्लीकेशन लिखाई, ZDO साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए और वहां से फॉरवर्ड कराई, लेकिन क्या हुआ बीच में कि वो उन्होंने कुछ टिकड़म लगाया। उसके बाद मैंने कहा यार आप लोगों ने BJP को दबके वोट दिए हैं और मुझे भी दबके वोट दिए हैं और DDC को भी दबके वोट दिए, यार इनसे भी थोड़ा रिक्वेस्ट करो। वो गए और बोलने लगे यार हो नहीं ठीक है माँ कड़ी मेरे मिलने सो मास्टर वास्टर यार मैं अब इलेक्शन आएगा आगू तो आगू कर दे तो आगू सो टाइम आएगा अब टाइम वो देखो मेरे हले चूचने वालों और पूरा वालों। क्या हुआ के इधर हम कैपेक्स के जब हम रिटायर हो गए उसके बाद कैपेक्स जो है उसका बजट आया और उसमें से मेरे DDC ने मेरे को फोन किया कि सरपंच साहब आपके बजट से मेरे को 6 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा मैडम जी क्या कर रहे हैं आप 6 लाख को। बोले मेरे अफसोस की बात है कि मैं अपने बजट से अपने लुआंग को, खुड़ा को, हल्ला को, चूचली को कुछ नहीं दे पाई। मैंने कहा तो मेरे से क्यों मांग रही है, ये तो मैं खुद लगाऊंगा। लेकिन बोले ठीक है नहीं प्लीज आप दे दो मेरे को इनके 6 लाख में। मैंने दिया लेकिन फिर भी उसने मेरे से पूछा कि काम कौन सा रखना है। अभी ये कहते हैं बीच में वो ऐसे रखा रहा काम में, ये हमने काम लिखाया है मैं रोड टू गुरफान तक, ये बीच में क्या बोलते हैं कि वो DDC बोती है मेरे फंड से हुआ। एक पत्थर भी मेरे को दिखाओ कि एक पत्थर भी कहीं BJP वालों ने या DDC ने इधर लगाया है तो मैं मेरे को इधर से निकाल ही देना। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों क्या बोलूं, ये जो हमारे नौजवान साथी हैं, ये जो हमारे GRS हैं, ये जो हमारी आशा वर्करें हैं, ये जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं,
ये जो हमारे वीडीसी मेंबर हैं, हमारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं, ये जो हमारे कुक जो है वो लगातार 10 बजे से लेकर 4 बजे बैठे हैं, 33 रुपए दिहाड़ी देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, तो सजनों, आप जो है सुबह से लेकर शाम तक बोरी उठा के काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे पढ़ाने भी कैसे हो ना, जब नौकरी नहीं 10 साल में, ये जो खाली पड़ी हुई असामियां उनको नहीं पूरी कर सके। तो मेरे दोस्तों, तो सजनों, तो मित्रों, जेड़े नौजवान साथी उन खड़े हुए हैं, आपने फैसला करना है क्या वो 10 साल देखने हैं या क्या आने वाला वक्त देखना है। अगर हमने ऐसा रहना है तो मेरे दोस्तों फिर ये तरक्की नहीं होगी। देखो, यहाँ गृह डिपार्टमेंट था, वहां भी सुपारी जो है वो डीसी साहब की कराई गई, जितेंद्र शराब की कराई गई। मैं शर्म करता हूँ इस बीजेपी सरकार को। 8 क्लास सेब के पेड़ साइड साइड पे लगे हुए थे, काली मिट्टी उस ग्राउंड में है, बच्चों के चेहरे भी पहचाने नहीं जाते थे धूप में। जब इस धूप में जो अब हम बैठे हुए हैं, ऐसी धूप में बच्चों को सारा दिन बाहर बैठना पड़ता था क्योंकि कमरे ही दूर थे, तो 8 क्लास से अंदर तो बैठ नहीं सकते थे। तो चेयर्स जो है वो अगर हम तो सेब के नीचे घुसने की कोशिश करते थे तो बच्चे भी थोड़े थोड़े करके सेब के नीचे घुसते, और इतनी खस्ता हालत होते हुए हमारे साथी जाकर के नारा लगाते हैं किसी खास पार्टी या किसी खास नेता का, और बच्चों की हालत परेशानी जो वहां देखी जाए, तो बैठ के सोचता था ग्राउंड में, यहाँ क्या किया जाए, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब किसी नेता से या किसी भी कोई मौजूद से बात की जाए कि इसके बारे में सोचा जाए, तो आगे से जवाब आता, कोई बात नहीं, अंडर प्रोसेस है सारा कुछ। जब अंडर प्रोसेस ही रहने लगा सारा कुछ, तो सोचा कि क्यों ना हो ऐसी नौकरी को छोड़ करके, तो अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर पा सकता हूँ, अपनी तरफ से जो बोल सकता हूँ, अपनी तरफ से जो दे सकता हूँ, उसको देने की कोशिश कर। देखिए, नेताओं का कीचड़ उछालना, नेताओं को बुरा भला कहना, उससे मुझे नहीं लगता कि परेशानियां या दुख दर्द जो है वो लोगों के दूर हो सकते हैं। जनता अच्छी तरह से जानती है, आजकल कुछ लीडर खुद ही जज बन जाते हैं, और वो जज बने हुए हैं उनके साथ कुछ वर्कर रखे हुए हैं। वर्कर कैसे हैं, जिनको खुद अगर इलेक्शन कंटेस्ट करनी हो, पंचायत लेवल के इलेक्शन कंटेस्ट किए, अच्छे अच्छे वोट हासिल किए होंगे पंचायत लेवल के, और वो भाषण देते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा भाषण देने की कोशिश करते हैं, अपनी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम इतने अच्छे आदमी के साथ चल रहे हैं, किसी अच्छी पार्टी के साथ चल रहे हैं। मेरे लिए पार्टी पहले नहीं, मेरे लिए जनता पहले है। मैं एक चीज बताऊं कि जब ये लोगों से बात की जाती थी, इन सियासी लोगों से, तो इलेक्शन से पहले जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं नेताओं के लिए बहुत प्यारा था, बहुत ज्यादा तारीफ करते थे, हाथ बांध करके आते थे और कहते थे ये तो बड़े महान आदमी, उसके लिए मेरे पास उनकी वीडियोस भी पड़ी हुई, इतनी तारीफ किया करते थे कि जैसे मेरे बराबर कोई इंसान ही नहीं। मुझे समझ नहीं आती, जब मैंने लोगों के मुद्दे उठाना शुरू कर दिए, तो उस दिन से मैं बहुत बुरा हो गया, बहुत गलत इंसान हो गया, क्योंकि मैंने लोगों के मुद्दे उठाना शुरू किए। दूसरे दिन बदल गया, आज ही मैं अगर यहां से उठ करके किसी पार्टी में चला जाऊं तो मेरी तारीफ करना शुरू कर देंगे। मनमोहन सिंह की देन है, ये तो इनकी देन थोड़ा है। तो ये बोलते थे कि हम इधर रेल लगा लेंगे, और भाई साहब रेल क्या है, इधर लेबर है, ग्रीफ में भी लगानी है तो एमपी का फोन कराना है, तो रेल कहां से चलेगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अपने भविष्य के लिए, हमारे इस पंचायत में अभी डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे इस पंचायत में अस्पताल नहीं है, हमारे इस पंचायत में खाली पड़े सामिया है, हमारे इस पंचायत में जो नौजवान साथी है पीएचडी की है, एमए की है, मेडिकल की ट्रेनिंग की है। तो मेरे सजनों, तो मित्रों, अगर हम ये फिर और लाएंगे ना, तो ये हमारा सत्यानाश करेंगे। इसलिए मैं तमाम हजरात से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप जिहोश पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छे हो, दीनदार हो और ईमानदार हो, तो इंशाल्लाह मैं तमाम नवांग नार्थ के पंचायत के नवासियों को ये अपील करना चाहता हूँ कि सोच समझ कर आप फैसला कीजिए, क्योंकि ये नहायत ही शरीफ इंसान है। अगर हम आप या कोई नहीं जानता इनको, इनका नाम गौरी शंकर जी है, ये दौरा के रहने वाले हैं, इन्होंने नौकरी छोड़ी, लेकिन इसलिए नहीं छोड़ी कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इनका अपना एक डेयरी है, इनका दो स्कूल है, इनके अपने ठेकेदारी के काम है, लेकिन हम लोगों ने मजबूर होकर इनको लाया,
लाया किसने मेरे दोस्तों और सजनों तो मित्रों तो बुजुर्गों, सुनो ये हैदर मलिक साहब की, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि लगातार 1996 से लेकर 2014 तक आपने हमें साथ दिया, इसका अजर अल्लाह ताला देने वाला है। लेकिन कुछ मजबूरियां आई, जब 2002 का इलेक्शन आया तो जनाब मलिक साहब के ऊपर इन लोगों ने जो आज लड़ रहे हैं कि डायराम जो है वो इन्होंने मरवाया है, और उसके बाद जब 2008 की इलेक्शन आई तो जो चंद अनासर हर मजहब में होते हैं जिन्होंने ये 2008 में कांड में ये चुनाव में कांड किया और उसको भी उसमें भी हैदर मलिक को मनाउस किया गया, लेकिन फिर भी लगातार सेकंड राउंड में आप लाते गए, तो इसलिए आपका भी शुक्रिया। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हरिजन भाई सबने इकट्ठा होकर हमने मास्टर साहब को आगे लिया है, और मास्टर साहब का ट्रस्ट भी है, लेकिन ट्रस्ट के नाम के हम नहीं वोट देते हैं क्योंकि इन्होंने मना किया है। इसमें यानी के बड़े बड़े चीफ लेवल के सेक्रेटरी भी है और छोटे से छोटा आदरा आदमी इसमें है, तो मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जिताने वाले तो हम लोग हैं यार, ये कहाँ से जीतेंगे, जनता अगर साथ देगी तभी ना, हम भी अभी फरासपुरी मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जनता जब तक नहीं हमारा साथ देगी तब तक हमारा होने वाला नहीं है। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़। करने वाला एक टीचर था और महकमा एजुकेशन को मैंने छोड़ने का फैसला इस वजह से किया कि मेरी सोशल एक्टिविटीज, सोशल सर्विसेज में रुचि, मेरा रुझान जो है वो बढ़ता गया, और कई जगह ये घुटन होती थी, कई जगह ये दिक्कत होती थी कि अपनी जमीर को, अपनी कॉन्शियस को दबाना पड़ता था जब सामने सामने कोई झूठ फ्रॉड मार करके जा रहा था, और कुछ बातें जो लोगों की उठाना होती थी उसके लिए दिक्कत हो जाती थी। घर का ऐसा कोई काम नहीं था जो मेरी वजह से नहीं चल सकता था, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा बर्डन, बोझ घर में होता कि नौकरी छोड़ने के बाद बाकी परेशानी बढ़ने वाली होती, तो ऐसा कुछ नहीं था, घर में सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब सब ठीक ठाक चल रहा था तो मेरे फ्री हैंड थे, मैंने फ्री हैंड से खेलना मुनासिब समझा। लेकिन जब नौकरी छोड़ी, उस वक्त ये मकसद नहीं था कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद पॉलिटिक्स में एंटर करूंगा, हाँ ये ख्याल जरूर था कि नौकरी छोड़ने के बाद लोगों की जो सर्विसेज है, लोगों को जो सेवाएं देनी है वो ज्यादा करेंगे, जो कर रहे हैं उसके अलावा ज्यादा करने के प्रयास करेंगे, दूसरा इन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब जरूर देंगे जो एक फरार मार जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं लोगों के सामने। गौरी शंकर जी, मास्टर गौरी शंकर जी, थैंक यू।